नमस्कार दोस्तों, मैं जीके सैनी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट ओनली जीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस SSC RRB भारतीय रेलवे के अंदर इंडिया जीके का जो पार्ट है उसका भाग नंबर 3 देखेंगे। ज़्यादातर राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए राजस्थान पुलिस का 2 नंबर भाग है, पार्ट नंबर बी का ये तीसरा भाग है। हमने दो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लिंक दे रखेंगे होंगे जिसमें पहला और दूसरा भाग होगा, आप उसे ज़रूर देखिए। और इसके अंदर दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और राजस्थान पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है और SSC के अंदर आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जनगणना, आइए देखते हैं, पहले सवाल की बात करते हैं। जनगणना किस विषय का है? संघ सूची का विषय। जो जनगणना होती है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची की। सूचियाँ कितनी है? 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और जनसंख्या आए तो समवर्ती सूची का विषय होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का किस का वर्णन किया जाता है? राज्य का संघ, भारत एक राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। आइए देखते हैं अगला सवाल, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबर स्वयं, बाबर ने खुद ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद ने लिखी थी। आइए देखते हैं अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाए, प्रत्येक वर्ष में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये राजस्थान की बात करें तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की प्रथम महिला CM, वर्तमान महिला CM, इसके जन्मदिन पर मनाना शुरू किया गया था राजस्थान के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, मुख्यमंत्री की याद जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 सूक्त होते हैं, 12 राशियाँ होती है, जैसे मेष है, मकर है, सिंह है, कर, इस प्रकार से कुल राशियों की संख्या कितनी है? 12। आइए देखते हैं अगला सवाल की बात करते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और चंद्रमा सभी को पता है और सबसे ज़्यादा उपग्रह है बृहस्पति के, शनि के भी उपग्रह हैं। और आपको हमें कमेंट के जरिए ये बताना है, दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, उनके नाम आपको हमें बताना है। आइए देखते हैं अगला सवाल, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। दोस्तों अगर इसमें पूछ ले कि संसद के अंदर कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो 14 करता है, 2 लोकसभा के अंदर करता है, 12 राज्यसभा के अंदर करता है, तो कुल कितने हो गए? 14। संसद में पूछे तो 14, लोकसभा में पूछे 2, राज्यसभा में पूछे तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग पहले, अब वर्तमान में नीति आयोग के अनुसार बनाया गया था, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब इसकी स्थान पर नीति आयोग लागू किया गया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी साहब, कौन है? मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, PM हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष। आपको हमें ये बताना है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। आइए देखते हैं आज का लास्ट सवाल, 10 नंबर सवाल। हम इसके अंदर छोटे 10 सवाल डालेंगे, कम से कम 3-4-5 मिनट के अंदर ये सवाल करेंगे और 5 मिनट के अंदर पूरे याद कर लेंगे। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा? टाइबर नदी के किनारे। रोम इटली की राजधानी कौन सी है? रोम, जो किस नदी के अंदर? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है, भाग नंबर 3 राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है और भाग नंबर 1 और 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक और भाग, चौथा भाग लेके आएंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों।